वही विदिशा पुलिस एसपी दीपक शुक्ला ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में 10 जून को तलैया मोहल्ला निवासी गुनगुन उर्फ नेहा रजक को जख्मी हालत में छोड़कर भागी उसकी सहेली मुस्कान राजपूत को गिरफ्तार की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 10 जून को मुस्कान ने गुनगुन को रेलवे ट्रैक पर गंभीर रूप से घायल कर छोड़ दिया था ताकि वह किसी ट्रेन की चपेट में आ सके और उसकी मौत हो जाए। इतना ही नहीं, मुस्कान ने अपना बैग, अपना सुसाइड नोट और परिवार का मोबाइल नंबर भी गुनगुन के पास छोड़ दिया और वहां से बात कर गायब हो गई। इस पूरे प्लान में मुस्कान के साथ एक और दोस्त शामिल था। मुस्कान के विदिशा से भागने के बाद अलग अलग जगह पर रुकने और वहां हो रहे खर्च के लिए मदद उसके दोस्त हरिओम ने की। पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि मुस्कान 25 मई को भी घर से भागी थी, लेकिन 28 और 29 तारीख को वह खुद ब खुद वापस आ गई थी। अपने परिवार से दूर रहने और खुद के नाम को खत्म करने के लिए बेकसूर गुनगुन रजक को अपना मोहरा बनाया। पूरे मामले में अब पुलिस ने आरोपी मुस्कान को बिना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। कि लड़की घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक के पास मिली थी, उसके पास से हमें बैग, कपड़े और सुसाइड नोट जैसी चीजें बरामद हुई थी जिसमें मुस्कान राजपूत के नाम का उल्लेख था। लेकिन जब पुलिस उसकी विवेचना में गई, घर परिवार वालों को बुलाया गया और उसकी हम तह तक गए तो वो लड़की मुस्कान ना होके गुनगुन रजक थी और वो हॉस्पिटलाइज थी। घटनाक्रम चूंकि पेचीदा था, जब गुनगुन को होश आया तब पूरे उसने अपनी तरफ से जो उसका वर्जन था वो उसने बताया, जिसके आधार पे इसमें मुस्कान राजपूत जो थी उसने हमला किया था वो आरोपी बनके निकली थी। इसमें 12/6 को ही हमने घटना की गंभीरता को कोतवाली में धारा 307 आईपीसी का हमने अपराध, हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया था। तब से मुस्कान राजपूत फरार चल रही थी और लगातार हमारी टीम और साइबर की टीम इसको फॉलो कर रही थी, ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। इसमें कल हमारी टीम को सफलता मिली है। इसको हमने बीना में जीआरपी बीना की मदद से इसको राउंड अप किया और फिर पुलिस इसको लेके आई, जिसमें पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि इसने अपने आप को मृत दिखाने के उद्देश्य से गुनगुन रजक को वहां पे घायल अवस्था में फेंका था। एक प्लॉट बनाया था इन्होंने, जिस प्लॉट का पूरी तरह से खुलासा हुआ है। और इसमें मुस्कान राजपूत के कथन के आधार पर इसका एक साथी भी इसमें निकल गया है, हरिओम सेन, उसको भी आरोपी बनाया गया है, सह आरोपी बनाया गया है। तो इसमें पूरे प्रकरण में दो आरोपी बने हैं और गुनगुन जो कि इलाजरत थी वो अभी स्वस्थ है, उसके भी कथन किए जा चुके हैं। और प्रकरण में जैसा कि मुस्कान पे 10,000 रुपए का इनाम उद्घोषित किया गया था मेरे द्वारा, तो वो हमारी टीम ने एक बड़ी सफलता इसमें हासिल की है और एक प्रकरण जो 2 महीने से लगभग पेंडिंग था उसको क्लियर करने में, उसको क्रैक करने में सफलता हासिल की।